हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ओरिएंट का 5 लीटर का इंस्टेंट वाटर गीजर। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका बॉक्स कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके बॉक्स का आप व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से इसको पैक किया गया है। बॉक्स के फ्रंट में गीजर की पिक्चर बनी हुई है, काफ़ी अच्छी तरह से इसको पैक किया गया है, जहाँ पर ओरिएंट की टेप लगी हुई है, साथ में 2 स्ट्रिप लगी हुई हैं। स्ट्रिप के ऊपर भी ओरिएंट की ब्रांडिंग दी गई है। काफ़ी अच्छी तरह से इसको पैक किया गया है। ये सी के बिरला ग्रुप का प्रोडक्ट है और जहाँ पर इसका QR कोड भी दिया गया है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको मिल जाएगी। और जहाँ पर इसके कुछ फीचर मेंशन किए गए हैं, इसमें 304 का स्टेनलेस स्टील का टैंक यूज़ किया गया है। बॉडी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है और 6.5 bar का ये प्रेशर ले सकता है, बहुत अच्छा है। पावर एंड हीटिंग का इंडिकेटर दिया गया है। शॉक प्रूफ एंड रस्ट प्रूफ हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर बॉडी का यूज़ किया गया है। ग्लास वूल का इंसुलेशन किया गया है और निकल कोटेड हैवी एलिमेंट यूज़ किया गया है इसमें। और लॉन्ग लाइफ के लिए जो निकल कोटेड एलिमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ चल जाता है, आसानी से वो ख़राब नहीं होता। और बॉक्स की दूसरी साइड भी इसके कुछ फीचर दिए गए हैं, वही सेम 304 स्टेनलेस स्टील का टैंक है। पावर एंड हीटिंग का इंडिकेटर है, जब पानी गर्म हो जाता है तो हीटिंग वाला इंडिकेटर कट कर जाता है। स्टाइलिश बॉडी दी गई है इसकी। गीजर को काफ़ी अच्छी तरह से पैक किया गया है, काफ़ी अच्छी तरह से इसको रैप किया गया है ताकि गीजर पर कोई भी स्क्रैच वगैरह ना आ सके। ये काफ़ी अच्छी बात है, गीजर ख़राब नहीं होता, बॉक्स में किसी भी तरह से डैमेज नहीं होता, काफ़ी अच्छी तरह से इसको पैक किया गया है। अभी हमने इसकी पैकिंग को हटा दिया है, आप देख सकते हैं गीजर में कितनी ज़्यादा शाइनिंग है, कितना ज़्यादा चमक रहा है हमारा ये गीजर। कोई भी स्क्रैच इस पर देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है इसका फ्रंट का व्यू। ये जो फ्लावर है काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ में ये इसके 2 इंडिकेटर दिए गए हैं, एक पावर का है, एक हीटिंग का है। हीटिंग का जब ये कट कर जाता है तब वो बंद हो जाता है। और साइड से हमारा ये गीजर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है हमारा ये गीजर। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है यहाँ पर। और बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और इसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हैवी पत्ती का यूज़ किया गया है दीवार पर लगाने के लिए। हमने कुछ दिन पहले हैवल का गीजर अनबॉक्स किया था, उसमें भी ये सेम ही थी। और ये इसका एक ओरिएंट का स्टिकर दिया गया है, इस पर इसकी फुल डिटेल दी गई है इसके मॉडल के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप किचन के लिए इंस्टेंट गीजर बाई कर रहे हैं तो आप 5 लीटर का गीजर ही बाई कीजिए। जो 1 लीटर और 3 लीटर का गीजर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, आपके बर्तन धोते समय उसमें पानी कम पड़ जाता है, इसलिए आप 5 लीटर का गीजर ही बाय कीजिए। 5 लीटर का गीजर ही किचन के लिए सही रहता है। मेरे पास पहले से एक 3 लीटर का इंस्टेंट गीजर भी है, जब हम बर्तन धोते हैं तो उसका पानी ख़त्म ही हो जाता है, इसलिए अभी हमने ये 5 लीटर का बाय किया है। फ्रंट से देखिए गीजर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। इसमें जो फ्लावर बना हुआ है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और इसमें शाइनिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है। गीजर की प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और ये नीचे इंडिकेटर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर हम बात करें इसके 3 पिन टॉप की तो इसके आपको 16 एम्पेयर का 3 पिन टॉप देखने को मिलेगा, जो बड़े वाला होता है।
ये काफ़ी ज़्यादा हैवी थ्री पिन टॉप आपको इसके साथ देखने को मिलता है। अगर हम किसी और कंपनी की बात करें तो ये थ्री पिन टॉप हमको हर किसी कंपनी के साथ देखने को नहीं मिलता है। ये काफ़ी अच्छी बात है, इसके साथ ये थ्री पिन टॉप दिया गया है। ये बड़े वाला जो प्लग होता है वो है, अगर हम इसकी पावर केबल की बात करें तो यूनिकोर की थ्री कोर केबल यूज़ की गई है, 1.5 square mm की केबल है इसमें। इसकी PVC की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी देखने को लग रही है और इस अप्रॉक्सीमेटली ये 1.5 मीटर की होगी। इसके हर मीटर पर मार्किंग की गई है। ये थ्री पिन टॉप इसका काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है देखने में भी। ये हमको हर कंपनी के गीजर के साथ देखने को नहीं मिलता, ये अच्छी बात है कि ओरिएंट ने हमें ये प्रोवाइड किया है। और गीजर भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओरिएंट के सर्विस सेंटर भी देश में हर जगह उपलब्ध हैं, हमको कोई सर्विस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। गीजर को उल्टा कर दिया है नीचे की तरफ से, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें अलग अलग कैप लगे हुए हैं। ये रेड कैप से हॉट वाटर हमको मिलता है और जहाँ से कोल्ड वाटर एंटर होता है, जहाँ पर लिखा भी है इनलेट और आउटलेट, जहाँ पर आउटलेट और इनलेट के स्टिकर लगे हुए हैं अलग अलग। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, जहाँ ओरिएंट का एक स्टिकर लगा हुआ है जो जेन्युइन की पहचान करवाता है। और जहाँ पर ये एक नॉन रिटर्नेंट बल्ब भी लगा हुआ है इसके साथ, ये फिक्स ही है, जैसे हैवल के गीजर में हमने देखा था वो अलग से था, इसके साथ ही फिक्स है। इससे पानी वापस नहीं होता, ये काफ़ी ज़रूरी होता है लगाना। और ये टेस्टर का स्टिकर लगा हुआ है जहाँ पर एक, फ्रेंड्स ये जो ब्लैक वाला लगा हुआ है आप इसको हटाएंगे तो आपको इसके नीचे एक बटन देखने को मिलेगा। आप देखिए जहाँ पर ये वाइट कलर का एक बटन है, जहाँ पर रीसेट भी लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सेकंड वाली रिले का बटन है, एक इसमें जो मेन रिले होती है अगर किसी वजह से वो कट नहीं करती तो ये सेकंड रिले कट कर देती है, तो दोबारा से आपने यहाँ से हटाकर इसको प्रेस करना होता है वाइट बटन को, तब गीजर दोबारा वर्किंग करने स्टार्ट कर देता है। अगर फर्स्ट वाली रिले किसी वजह से कट नहीं करती तो ये वाली रिले कट कर देती है, और उसके बाद ये हटाने के बाद ये बटन प्रेस करने के बाद ही ये दोबारा ऑन होता है गीजर। और जहाँ पर इसके स्क्रू दिए गए हैं इसको ओपन करने के लिए, ये गीजर हमने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, 3500 में हमको ये मिला है। इसके साथ हमको कनेक्शन पाइप और स्क्रू दीवार पर लगाने के लिए नहीं मिले, वो हमें अलग से परचेज करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।